गुड आफ्टरनून थर्ड क्लास, नाउ वी स्टार्ट मैथ्स क्लास एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज 8.6, 8.5 हमने कल कर ली थी, आज हम 8.6 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज, सूर्या बॉट स्टैम्प्स फॉर ₹6.25 फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, ही गेव अ ₹10 नोट, हाउ मच मनी विल ही गेट बैक। सूर्या ने एक स्टैम्प खरीदी 6.25 की पोस्ट ऑफिस के लिए और उसने उसे ₹10 दिए, तो अब उसे कितने रुपीस उसमें से वापस मिलेंगे। 6.25 की स्टैम्प खरीद ली और उसने ₹10 दे दिए, तो ₹10 में से कुछ रिटर्न होंगे, तो कितने रुपीस बचेंगे हमें वो बताना है। ओके देखिए, सूर्या बोट स्टैम्प्स इज इक्वल्स टू 6.25, He gave note is equals to ₹10, he get money back, उसको कितने रुपीस वापस मिलेंगे। 10 माइनस 6.25, हमने इनका माइनस किया, 10.00 लगाया क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद डिजिट दी हुई है, तो 6.25 इसको माइनस करेंगे, ज़ीरो में से 5 तो नहीं जाएंगे, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे, कैरी लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 5 क्या आ जाएगा 5 और 9 आ गया इधर, 9 माइनस 2 इज 7 और 9 माइनस 6 इज 3, यहाँ हमारे पास 0 हो गया, तो 0 का 0 एज इट इज़, कितने रुपीस बच गए मेरे पास 3.75। सूर्या को कितने रुपीस रिटर्न होंगे वापस मिलेंगे 3.75। ओके नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, द प्राइस ऑफ अ नोटबुक इज ₹7.50 एंड अ बॉल पेन इज ₹9.25, विच वन इज मोर कॉस्टली एंड बाय हाउ मच। नोटबुक की कॉस्ट कितनी है 7.50 और एक बॉल पेन की कॉस्ट कितनी है 9.25। अब इन दोनों में से कौन ग्रेटर है ये बताना है कि सबसे ज़्यादा कॉस्ट किस में लगी और कितनी लगी। तो इन दोनों में से किसकी ज़्यादा है हमें ऐसे भी पता चल रहा है, 7.50 ज़्यादा है या 9.25। ऑफ कोर्स 9.25, तो एक तरह से बॉल पेन की कॉस्ट कितनी क्या हो गई, मोर हो गई। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, द प्राइस ऑफ अ नोटबुक इज इक्वल्स टू 7.50, द प्राइस ऑफ अ बॉल पेन इज इक्वल्स टू 9.25। अब इन दोनों में से कौन ग्रेटर है, 9.25 ग्रेटर हो गया 7.50 से, तो बॉल पेन इज़ मोर कॉस्टली, कितना कॉस्ट हुआ, मोर कॉस्ट इज इक्वल्स टू कितनी ज़्यादा है कॉस्ट, 9.25 माइनस कर देंगे 7.50 से, हमें तभी पता चलेगा ना कि जो बॉल पेन है वो उससे कितना, नोटबुक से कितना महंगा है, तो हम क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे, माइनस किया तो 5 माइनस 0 क्या आंसर आ गया 5, अब 2 में से 5 तो नहीं जाएंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ से कैरी लेंगे, कैरी बोरो करेंगे, 12 माइनस 5 इज 7, यहाँ पर अब कितना बच गया, इसको हमने कैरी दे दी थी तो हमारे पास यहाँ 8 माइनस 7 इज 1। तो नोट बॉल पेन नोटबुक से कितना महंगा हो गया 1.75। ओके नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज, मोनू हैड 180 रुपीज, ही लैंड ₹94.50 टू कुमार, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद मोनू। मोनू के पास 180 रुपीज़ थे, ही लैंड 94.50 टू कुमार, मोनू ने क्या किया, इतने रुपीज़ 94.50 रुपीज़ कुमार को उधार दे दिए, लैंड का मतलब होता है उधार दे देना, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद मोनू, तो अब मोनू के पास कितने रुपीस बच गए हमें ये बताना है। तो देखिए, मोनू हैड रुपीस इज इक्वल्स टू 180.00 रुपीस, ही लैंड टू कुमार, कितने रुपीस उसने कुमार को दिए 94.50, मनी लेफ्ट विद मोनू, मोनू के पास अब कितने रुपीस रह गए 180 माइनस 94.50, हमने इनको माइनस करना है, हमने इनको माइनस किया तो क्या आंसर आ गया मेरे पास, 0 माइनस 0 इज 0, 0 में से 5 माइनस नहीं होंगे, यहाँ से कैरी बोरो करेंगे तो क्या हो गया 10 माइनस 5 इज 5, 9 माइनस 4 इज 5,
यहाँ से कैरी लेते तो यहाँ कितना हो गया सेवन, सेवन माइनस सेवन में से नाइन माइनस नहीं होंगे तो यहाँ से कैरी लेंगे, सेवनटीन माइनस नाइन कितना आ गया एट, 85.50 रुपीज़। ये कितने किसके पास रह जाएंगे, मोनू के पास बच जाएंगे इतने रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रश्मि परचेज्ड टेक्स्ट बुक फॉर 62.75 रुपीज़ एंड नोटबुक्स फॉर रुपीज़ 33.50। शी गेव अ 100 रुपी नोट, हाउ मच मनी वुड द शॉपकीपर रिटर्न। देखिए, रश्मि एक टेक्स्ट बुक ख़रीदती है 62.75 रुपीज़ में और एक नोटबुक ख़रीदती है 33.50 में। वो शॉपकीपर को 100 रुपीज़ दे देती है, तो अब शॉपकीपर उसे कितने रुपीज़ रिटर्न करेगा। तो हमें पहले ये फाइंड करना होगा कि उसने टोटल कितने रुपीज़ का सामान ख़रीदा, टेक्स्ट बुक और नोटबुक का टोटल करना है। तो देखिए, रश्मि परचेज टेक्स्ट बुक इज़ इक्वल्स टू 62.75, रश्मि परचेज नोटबुक्स इज इक्वल्स टू 33.50। यस, टोटल मनी इज इक्वल्स टू 62.75 प्लस 33.50। इनको हम ऐड करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि दोनों में कितने रुपीज़ का उसने सामान ख़रीदा है। तो हम इनका एडिशन कर देंगे। ऐड किया तो 62.75 प्लस 33.50 को ऐड करने पर क्या आंसर आ गया, 96.25। अब उसने शॉपकीपर को कितने रुपीज़ दिए थे, 100 रुपीज़। द शॉपकीपर रिटर्न, अब शॉपकीपर कितने रिटर्न करेगा, 100 माइनस 96.25, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो जो रुपीज़ हमारे पास आएंगे वो उसको रश्मि को रिटर्न कर देगा। 100.00, 96.25 इसको माइनस कर दिया तो क्या आंसर आ गया मेरे पास, 3.75। मतलब 3.75 शॉपकीपर उसको रिटर्न कर देगा रश्मि को। ठीक है, हमने पहले इसमें एडिशन हमने इसलिए किया क्योंकि उसने दो सामान खरीदे थे और उसने 100 रुपीज़ दे दिए। अब सारा सामान 100, अब हमें ये देखना तो पड़ेगा कि वो सारा सामान 100 का हुआ है या नहीं हुआ, तभी हम फाइंड कर पाएंगे ना कि शॉपकीपर वाले ने उसको कितने रुपीज़ रिटर्न किए। ठीक है, इसी तरह से ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। मोनिका बॉट अ रेनकोट 143.25 एंड एन अम्ब्रेला रुपीज़ 85.75। शी गेव द शॉपकीपर 3 नोट्स ऑफ 100 ईच, व्हाट डिड शी गेट बैक। मोनिका ने एक रेनकोट ख़रीदा है 143.25 रुपीज़ का और एक अम्ब्रेला ख़रीदा है 85.75 रुपीज़ का। अब उसने शॉपकीपर को 100 के 3 नोट्स दिए हैं। 100 के कितने नोट्स दिए, 3। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 100 के 3 नोट्स हो गए तो कितने रुपीज़ हो गए हमारे पास, 300। ओके, तो अब उसको कितने रुपीज़ वापस मिलेंगे मोनिका को। तो ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है जैसे हमने अभी फोर्थ किया है। रेनकोट और अम्ब्रेला का जितने भी रुपीज़ थे उसको हम ऐड कर देंगे। देखिए, मोनिका बॉट अ रेनकोट 143.25, मोनिका बॉट एन अम्ब्रेला इज इक्वल्स टू 85.75। टोटल रुपीज़ कितने हो गए, 143.25 प्लस 85.75। इनको हमने ऐड किया, ऐड करने पर क्या आंसर आ गया, 229। अब शी गेव द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर को कितने रुपीज़ दिए, 3 × 100 इज इक्वल्स टू 300। टोटल रुपीज़ 300 दिए, 100 रुपीज़ के उसने 3 नोट्स दिए थे तो मतलब कितने हो गए, 300। अब शी गेट बैक, उसे कितने रुपीज़ वापस मिलेंगे, तो 300 माइनस 229। क्या लिखेंगे हम, 300 माइनस 229, इसको माइनस किया तो क्या आंसर आ गया, 71। ओके, और इसे आपकी 8.6 एक्सरसाइज ख़त्म हुई। अब आप इसे अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।